बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना परोहा होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर से हूं और आज आप सभी के सामने संत कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेकर आई हूं। इसके पहले भी आपने कुछ हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों का जीवन परिचय जाना है, तो आइए जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ये इनकी प्रतिभा किरणों से न केवल हिंदू समाज और भारत बल्कि समस्त विश्व आलोकित हो रहा है। इन्हें हिंदी साहित्य के आकाश में चंद्रमा की उपाधि दी गई है। इनका जन्म 1511 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। बच्चों, जब इनका जन्म हुआ तब इनके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे और इनके मुंह से राम नाम का शब्द निकला था, तो इनका नाम पड़ गया राम बोला। इनका जन्म हुआ, दूसरे ही दिन माता का देहांत हो गया, तो पिता ने इन्हें अपने लिए अपशकुनी मान लिया और इनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी अपनी चुनिया नामक दासी को सौंप दी। अब चुनिया दासी इनकी देखभाल करने लगी। पिता को जीवन से विरक्ति हो गई थी, उन्होंने संन्यास ले लिया। जब ये 5.5 साल के हुए तो चुनिया दासी भी नहीं रही। अब ये अनाथों की भांति गली गली भटकते हुए जीवन बिताने लगे। भगवान शंकर के आदेश से इनके गुरु नरहरि दास ने इनको ढूंढ निकाला। उन्होंने इनको अपने साथ लिया, अयोध्या लेकर आए। वहां उन्होंने इनका विधिवत नाम रखा तुलसी राम। फिर इनका उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार के समय भी इन्होंने बिना किसी के सिखाए शुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। गुरु बहुत प्रभावित हो गए थे। इनकी बुद्धि बहुत प्रखर थी। एक बार गुरु के मुख से जो सुन लेते थे कंठस्थ हो जाता था। इनके गुरु ने ही इनको राम कथा सुनाई थी जो इनको उस समय अच्छी तरह से समझ में नहीं आई थी। फिर इनके गुरु ने इनका विवाह रत्नावली नामक भरद्वाज गोत्र की एक कन्या से करवा दिया। इनकी जब शादी हुई तो इनका गौना नहीं किया गया, अर्थात पत्नी की विदाई नहीं हुई थी, क्योंकि अभी इनकी पढ़ाई बाकी थी। ये काशी चले गए पढ़ाई करने। एक दिन अचानक इनको अपनी पत्नी की याद आ गई। अपने गुरु से इन्होंने आज्ञा ली और पत्नी से मिलने निकल पड़े। भयंकर अंधेरी तूफानी रात, खूब तेज बरसात हो रही थी। उफनती यमुना नदी पार कर ये रत्नावली के पास पहुंच गए। उस तूफानी रात में रत्नावली ने जब इनको अपने सामने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई और उन्होंने इनसे कहा, अस्थि चर्म में देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीति। अर्थात हड्डी और चमड़े से बनी देह के लिए इतना प्रेम, और यदि यही प्रेम राम से हो तो क्या बात है, तुम्हारा तो जीवन ही संवर जाएगा। बस पत्नी रत्नावली के इस कथन ने इनके पूरे जीवन को बदल दिया। इन्हें संसारिक जीवन से विरक्ति हो गई, तुलसी राम से तुलसीदास बन गए और वहां से निकलकर राजापुर होते हुए काशी पहुंच गए और वहां राम कथा करने लगे। एक दिन राम कथा करते करते मनुष्य रूपी एक प्रेत से इनकी मुलाकात हुई और उस प्रेत ने इनको हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिले और उनसे आग्रह किया कि वे रघुनाथ के दर्शन करा दें। हनुमान जी ने इनसे कहा कि आपको प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। एक दिन ये चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने निकले तो इन्होंने देखा कि दो सुंदर राजकुमार धनुष बाण हाथ में लिए हुए घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। देखकर बहुत प्रसन्न हुए लेकिन पहचान नहीं पाए कि ये भगवान है। तभी हनुमान जी इनके सामने आए और उन्होंने बताया कि यही तो थे प्रभु। तो ये बहुत उदास हो गए, रोने लगे। हनुमान जी ने इन्हें सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, प्रभु दोबारा आपके सामने आएंगे। एक दिन सुबह प्रभु छोटे बालक के रूप में इनके सामने आए और कहा कि हे संत, आप मुझे थोड़ा चंदन देंगे। अब तुलसीदास जी उस बालक को देने के लिए चंदन घिसने लगे। हनुमान जी समझ गए कि ये फिर नहीं पहचान रहे हैं, तो उनके सामने एक तोते के रूप में प्रकट हुए और कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अब तुलसीदास जी पहचान गए कि ये बालक और कोई नहीं, साक्षात मेरे प्रभु रघुनाथ हैं। उनको देखकर भाव विभोर हो उठे।
इतने मगन हो गए कि वो चंदन देना भूल गए। तब फिर उस बालक ने ही इनके माथे पर चंदन लगाया। इस प्रकार इनको भगवान राम के भी दर्शन हुए। उसके बाद अब ये क्या करने लगे कि संस्कृत में इनको कविता लिखने की प्रेरणा जागी, तो ये संस्कृत में कविताएं लिखने लगे। तो भी इनके साथ घटना हुई कि ये दिन में कविताएं लिखते, रात में वो पन्ना गायब हो जाता। लगातार 7 दिन तक इनके साथ ऐसा हुआ। 8वें दिन रात में इन्हें भगवान शंकर ने सपना दिया और कहा कि तुम अपनी भाषा में कविताएं लिखो। ये हड़बड़ा कर उठकर बैठ गए तो देखा कि साक्षात गौरी शंकर इनके सामने बैठे हुए थे। इन्होंने हाथ जोड़ा, तब भगवान शंकर ने इन्हें कहा कि तुम हिंदी में कविता लिखो तो सामवेद की जिस तरह से प्रसिद्धि है उसी तरह से तुम्हारी कविताएं भी प्रसिद्ध होंगी। बस उनकी प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में कविताएं लिखना शुरू किया। संवत 1631 में रामनवमी के दिन इन्होंने रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे उस अद्भुत ग्रंथ को पूरा करने में। इतना लंबा समय लेने के बाद वह ग्रंथ पूरा हुआ। अब तुलसीदास जी अपने उस ग्रंथ को लेकर काशी विश्वनाथ जी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को अपनी रचना सुनाई। उसके बाद वो ग्रंथ रात में मंदिर में रख दिया गया। सुबह जब मंदिर का पट खुला तो सभी लोगों ने देखा कि उनके उस ग्रंथ में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और शंकर जी ने सही लिखकर उस ग्रंथ की पुष्टि की थी। अब काशी के बाकी पंडितों की बेचैनी बढ़ गई कि इतना महान ग्रंथ एक साधारण से संत ने कैसे लिख लिया। अब रामचरितमानस की परीक्षा शुरू हुई। उन पंडितों ने 2 चोरों को भेजा कि जाओ तुलसीदास जी का वो ग्रंथ चुरा लाओ। वो 2 चोर पहुंचे रात में तो देखा कि 2 बहुत सुंदर राजकुमार तुलसीदास जी की कुटिया के आसपास पहरा दे रहे हैं। इतने सुंदर थे वो, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, और हाथ में धनुष बाण। दोनों चोर भाव विभोर हो उठे, उन्होंने चोरी छोड़ दी और आजीवन ईश्वर भक्ति करने लगे। अब काशी के पंडितों को चैन नहीं था, उन्होंने मधुसूदन सरस्वती नामक महापंडित को वो किताब दी। तो उन्होंने उसको पढ़ने के बाद लिखा कि तुलसीदास जी साक्षात तुलसी का पौधा है। काशी के इस आनंद वन में वे एक तुलसी के पौधे के समान है जिसमें उनकी काव्य मंजरी में राम रूपी भंवरा हमेशा मंडराता रहता है। अर्थात उन्होंने भी साबित कर दिया कि रामचरितमानस श्रेष्ठ ग्रंथ है। पंडितों को फिर भी चैन नहीं था। अब उन्होंने उस ग्रंथ को कहाँ लाया, विश्वनाथ जी के मंदिर में लाए बोलो, और सबसे नीचे उनके ग्रंथ को रखा, उसके ऊपर कोई दूसरा शास्त्र, फिर पुराण, और सबसे ऊपर वेद रखकर उस मंदिर का पट बंद कर दिया। जब सुबह फिर पट खुला तो सभी लोगों ने देखा कि सारे ग्रंथ नीचे थे, रामचरितमानस सबसे ऊपर, वेदों के भी ऊपर रखा हुआ था। अब पंडित जो है वो शर्मसार हो गए। तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा मांगी और उनका पैर धोने के बाद उस चरणोदक को अपने माथे पर लगाया। अर्थात क्या साबित हुआ कि रामचरितमानस जो है वह श्रेष्ठ ग्रंथ महाकाव्य है, उसके समान दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। क्यों? उसका नाम ही है रामचरितमानस, अर्थात चरित चरित्र, मानस मनुष्य, राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। क्या संदेश देता है यह ग्रंथ कि प्रत्येक मनुष्य को अपना चरित्र राम के समान मर्यादित जीवन जीते हुए एक आदर्श के रूप में स्थापित करना चाहिए। ये ग्रंथ प्रत्येक हिंदू के घर में पाया जाता है और इसका भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। यह ग्रंथ दूसरी भाषाओं में भी लिखा है। पूरे विश्व में यह ग्रंथ पूजनीय माना गया है। आप कभी भी परेशानी में हो और इस ग्रंथ को पढ़िए, आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिलेगा। अवधी भाषा में दोहा चौपाई सोरठा जैसे सुंदर छंदों में लिखा यह ग्रंथ, जिसको तुलसीदास जी ने भिन्न भिन्न अलंकारों से सुशोभित किया है, बहुत सुंदर ग्रंथ है ये, तो जरूर पढ़िएगा रामचरित मानस। इसके अलावा भी तुलसीदास जी ने
बहुत सी रचनाएं की हैं, जैसे रामलला लहछू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवै रामायण। और ये जो रचनाएं हैं इनकी, ये अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में अलग अलग लिखी गई है, क्योंकि तुलसीदास जी को इन दोनों भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ थी। संवत 1680 को श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया दिन शनिवार को तुलसीदास जी ने वाराणसी के असी घाट पर अपना शरीर त्याग दिया। तो बच्चों, देखा आपने कैसे अद्भुत कवि थे हमारे संत तुलसीदास जी, और कैसी इनकी अद्भुत और श्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस। धन्यवाद।